नमस्कार, आई एम डॉक्टर मृगांक शेखर शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एट मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुड़गांव। आई विल टॉक अबाउट वन ऑफ द कॉमनेस्ट मिथ्स ऑफ गॉल ब्लैडर सर्जरी। देखिए, गॉल ब्लैडर सर्जरी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जरीज दैट वी डू डे इन एंड डे आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत लोगों को लगता है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाने के बाद जिसमें पूरे गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, जिसको हम हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं, दैट दे विल हैव टू बी ऑन अ लॉट ऑफ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। लोगों को लगता है कि वो फैटी चीजें नहीं खा पाएंगे, ऑयली चीजें नहीं खा पाएंगे। ओवरऑल फैटी चीजें या ऑयली चीजें खाना इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू, बट देर इज नो साइंटिफिक प्रूफ टू सजेस्ट कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद आप फैटी चीजें, स्पाइसी चीजें या नॉर्मल चीजें नहीं खा पाएंगे। इनफैक्ट गॉल ब्लैडर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि कोई भी फैटी फूड खाने के बाद लोगों को लगता है कि पेट उनका फुला हुआ है या उनको गैस बनी हुई है। इनफैक्ट देर इज रिलीफ ऑफ सिम्टम्स आफ्टर रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये सर्जरी करवाने के बाद इन सिम्टम्स से हमें राहत मिलती है रादर देन एग्जेसरबेशन ऑफ द सिम्टम्स। हमारे अक्सर पेशेंट्स ये सर्जरी करवाने से पहले यही हमें सवाल करते हैं कि क्या वो नॉर्मल फूड खा पाएंगे कि नहीं। सो आई वॉन्ट टू रिइटरेट एंड स्ट्रेस कि यस, आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी यू कैन बी ऑन एब्सोल्युटली नॉर्मल डाइट, नॉर्मल एक्टिविटीज, ऑलमोस्ट विद इन ए वीक यू विल हैव जीरो पेन एंड डाइट में आपको कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच।